फिर चर्चा में बिहार का रेलवे जमीन घोटाला। सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी को नोटिस। बिहार में रेलवे का जमीन के बदले नौकरी वाला घोटाला फिर चर्चा में है। दिल्ली की विशेष कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया। इससे बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। माना जा रहा है कि अगर सीबीआई की याचिका मंजूर हो जाती है तो तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट के विशेष जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। रेलवे घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में गुहार लगाई है। इस मामले में तेजस्वी यादव साल 2018 से ही जमानत पर हैं। अगर कोर्ट सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी की जमानत खारिज करता है तो बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संकट में पड़ सकती है और हो सकता है कि उन्हें जेल जाना पड़े। हालांकि कोर्ट ने अभी सिर्फ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई की जांच जारी है। इसी मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को भी सीबीआई ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। उनके साथ साथ जमीन देकर रेलवे में नौकरी लेने वाले गोपालगंज निवासी हित्यानंद चौधरी को भी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे घोटाले में लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं, जिनमें बड़ा नाम बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है।